आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, लाखों लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी, उन लोगों की दुआओं की वजह से आज बाहर आया, अब मेरे हौसले और मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इस जेल की मोटी मोटी दीवारें इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। केजरीवाल ने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे ऊपर वाले ने अभी तक मुझे ताकत दी है, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाते रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं और जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश को बांटने और कमजोर करने का काम कर रही हैं, मैं जिंदगी भर उनके खिलाफ लड़ता रहूं। केजरीवाल ने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए है, मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बड़ी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पर भगवान ने मेरा साथ दिया है क्योंकि मैं सच्चा था। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया।